एक दिन के खाने के लिए या दो दिन के इंजॉयमेंट के लिए क्या फिर पांच साल इसी गंदगी में रहना चाहते हैं? तू हाथ पसार के वोट मंगा था, हम तेरा गिरेबान पकड़ के हमारा काम लेंगे। पूरे एरिया वालों के कहने पर मैं इस बार के कॉर्पोरेट इलेक्शन में खड़ा हूं। एक बार जीत के चले गए, दूसरी बार इलेक्शन डिसाइड होने के बाद ही चाहते। कोई बड़ा खानदान नहीं, कोई बड़ा पैसे वाला नहीं, आपके बीच में रहने वाला ऐसे शख्स को घर तक आकर टिकट दी गई है। वो हमारे जो 10 साल के काम, जो 10 साल के खिदमात हैं, क्योंकि हम कह रहे थे कि पॉलिटिक्स में जाएंगे तो उन लोगों की गिनती में आएंगे। फिर हमें समझाया गया कि जब तक कीचड़ में उतरोगे नहीं उसे साफ नहीं कर पाओगे। इसी वजह से पूरे एरिया वालों के कहने पर मैं इस बार के कॉर्पोरेट इलेक्शन में खड़ा हूं। आज मैं जितने भी मीटिंग किया हूं वहां पे सब जगह मुझे, मैं सबसे पहले लोगों की डिमांड पूछा तो वो लोग मुझे कहते नजर आए, हमारे पास रोड अच्छी नहीं है, नाली नहीं है, नाली है तो भी पानी नहीं जाता, कचरा घर के सामने पड़े हुआ रहता, उठाने वाले नहीं आते, खंभों पे लाइट नहीं है, बच्चों को कुत्ते काट रहे। जितने माइनॉरिटी के फंड्स है, जितने एजुकेशन के फंड है, वो सारे आप तक पहुंचाना, लेबर कार्ड का आपका बनाना, जो मंथली आपको राशन आता है वो तो राशन कार्ड तो रहा, उसके अलावा जो स्कीम्स आते हैं वो लाकर आप तक पहुंचाना, आपके बीच में आना, आपसे पूछना कि आपने मुझे जिताकर भेजा है, आपने मुझ पे भरोसा किया है, क्या मैं उस भरोसे पे खड़ा उतरा हूं, क्या मैंने जो वादे किए थे क्या वो वादे मैं पूरे कर रहा हूं, आपने जो गवाही दी थी अपने वोट की कि ये बंदा हमारे एरिया को सुधारेगा, क्या वो गवाही देने के बाद में क्या मैं उस पर खड़ा उतर पाया हूं? नहीं, पूछना तो दूर की बात, एक बार जीत के चले गए, दूसरी बार इलेक्शन डिसाइड होने के बाद ही चाहते। पहले जिन दूसरी कौम के लिए जो बोला जाता था कि कौम को 500 रुपए दिए तो वोट मिलता, बड़े अफसोस की बात है, बड़े शर्म की बात है, आज वो हमारी कौम को बोला जा रहा है। हमारा ईमान हमें नहीं सिखाता कि हम पैसे लेकर किसी के खिलाफ गवाही दे, किसी को अपना रहबर बनाए, किसी को अपने पर मुसल्लत कर दे। आपको ऐसे आदमी को जिताना चाहिए कि बाबा तू आकर ये कट्टे पे फिर के बड़े बड़े बातें करके गया था, अब कहां गए तेरे वादे? तू हाथ पसार के वोट मंगा था, हम तेरा गिरेबान पकड़ के हमारा काम लेंगे। ये आप मुझसे ले सकते हैं, मैं ज्यादा दूर नहीं, आप बाई वॉक अगर निकलेंगे तो मेरे घर तक पहुंचेंगे। बड़े बड़े बैकग्राउंड से नहीं आया, ना मेरे बाप दादा के खेत खलियान, ना मेरा कोई बड़ा घर, ना मेरा कोई बड़ा कारोबार। अगर आप लोग मुझे जिता के बेचते हैं तो सिर्फ कॉर्पोरेशन का काम करने के अलावा मेरे पास कोई काम नहीं है, दूसरा कोई काम नहीं है। मैं अभी वादा करके आया हूं, अगर आप रोज मुझे कॉलोनी में बुलाएंगे तो मैं आऊंगा रोज। आप डेली बोले अजीम भाई बेटा तू बाद मगरिब के एटीएम मेरे पास रोज आए तो छोड़ दे, तू प्रॉमिस कर आपसे वादा कर जाता हूं, अगर आप यह कहकर भी ओढ़ देंगे तो रोज मैं मगरिब के बाद आऊंगा, रोज आप लोगों के बीच में आऊंगा, आप रोज सुना सकते हैं। और इंशाल्लाह सबसे बड़ी बात, अगर इस बार के कॉर्पोरेट इलेक्शन में आप लोग मुझे जिताकर बेचते हैं तो अगले बार आपके सवाल चेंज करूंगा। अगली बार आप रोड के लिए नहीं बोलेंगे, नाली के लिए नहीं बोलेंगे, कचरे के लिए, कुत्तों के लिए नहीं बोलेंगे, आप इससे चार कदम आगे जाकर एजुकेशन पे, हेल्थ पे, आप सिर्फ 1 लाख का लोन दिलाए थे अजीम भाई, अब इस बार जिताते आपको 5 लाख का दिलाना, ऐसा कमिटमेंट लेना आप आगे। तो ये बेसिक चीजें तो बहुत छोटी बात है। और एक वादा कर जाता हूं, मैं सिर्फ इलेक्शन है बोलकर आपके बीच में नहीं आया, आप जिताएंगे तो ये काम करूंगा, आप मेरे को वोट दिए तो रोड बनूंगा, नहीं आप दिए तो बिस्मिल्लाह, नहीं दिए तो अल्हम्दुलिल्लाह, आपका जो काम है वो जरूर करूंगा। आप अगर मुझे पावर में देंगे तो ये काम 2 दिन में होता, अगर आप मेरे हाथ में पावर नहीं देंगे तो प्रोटेस्ट कर भूख हड़ताल कर 2 से 4 महीने में भी मैं ये काम कराता हूं। तो आपके बीच में रहने वाले को वोट दीजिए,
आपके बीच में बहुत सारे लोग आएंगे, 500 रुपए देंगे, 1000 रुपए देंगे, इलेक्शन का रिजल्ट के दिन तक भी नहीं चलते हो। 3 तारीख को इलेक्शन है, उसके बाद रिजल्ट है, जब तक भी खत्म हो जाए आपको छोड़ते हो। 2 किलो गोश्त नहीं आता उसमें, साथ में टमाटर मिर्चा बिरयानी बनाने आपके जेब से पैसे डालना पड़ता। तो ये सिर्फ एक दिन के खाने के लिए या 2 दिन के इंजॉयमेंट के लिए कि आप फिर 5 साल इसी गंदगी में रहना चाहते हैं। ये 5-5 लाख के लोन है कहते, बोले तो भी आके कॉलर पकड़ के हमारे को कहीं को नहीं दिलाया, पूछना आप लोग। वो ताकत आपके हाथ में है, आपका वोट कोई मामूली चीज नहीं। जो ऊपर जो शान से बैठा था उसको नीचे गिरा सकते, जो आपके बीच में नीचे गरीब है उसको ऊपर उठा सकते। ये ताकत आपके वोट में है, इसको कमजोर मत समझो। ये आने वाले 5 साल का मुस्तकबिल है, मौत का कोई भरोसा नहीं। मैं आज हूं कल नहीं हूं, आप आज है कल नहीं है। तो 5 साल तक आपके मासूम मासूम बच्चों के चेहरों को देखो। हम तो ऐसी जिंदगी गुजारे, कैसा भी हम काट लिए, रोटी मिर्ची क्या मिला वो खाए, कभी भूखे सो गए, पर हमारे बच्चे ऐसे नहीं सोना। इनको जॉब मिलना, इनको अच्छी पढ़ाई मिलना, इनके हेल्थ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरना, ये सारे चीजें जो इनका हक है, जो गवर्नमेंट देती है, वो इन तक पहुंचना। या कितने बार साल में जब स्कूल चेंज होते हैं, स्कूल ओपन होते हैं, कितने बार आपके बच्चों के लिए स्कूल के नए बैग आप तक लाकर दिए गए, स्कूल के बुक्स लाकर दिए गए, आईटीआई में फ्री एडमिशन, बड़े बड़े स्कूल्स में गवर्नमेंट रूल्स निकाली, 10% 20% गरीबों के बच्चे पढ़ना। आज ये कॉलोनी के कितने बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ रहे। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं बोलने के लिए, मैं चंद मुख्तसर जो जरूरत की चीजें उस पर फोकस कर रहा हूं, बड़ी बात नहीं करता। इतने सारे चीजें आपके लूटे हैं, फजर की अजा हो जाएगी मैं पढ़ के बोलते रहता हूं। तो इस बार अहद करो, देते हैं नहीं देते मेरे को वोट, अगर देने वाले हैं तो थोड़ा हाथ ऊपर करो। बहुत कम दिख रही आता, अगर जो जिसका हाथ नहीं उठ रहा उन्हें क्या वजह से नहीं देते वो भी बोलो। हाँ, हमारे बहन बोले थे वहां से, और कोई तो भी क्या तो बोलते बोले थे हमारे बाजी, थोड़ा आके बोलिए। क्या बोले बाजी?